पर यह सही है कि 9 महीने पर्याप्त समय होता है सरकार को, नए मुख्यमंत्री को अपने अपने वचन पत्र पर काम करने की शुरुआत के लिए। पर सरकार का चेहरा कैसा बना इस 9 महीने में तो क्राइम अद्भुत है और ये आरोप भी है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि इस सरकार से ज्यादा क्राइम करवाने वाली सरकार देश में कोई नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि एसटीएससी के साथियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और आम जन जो आपराधिक तत्व है वो सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में करते हैं। मध्य प्रदेश में दलितों पर पेशाब करने के कारण मिले, पेशाब पिलाने के कारण मिले हमारे आदिवासी भाइयों पर सबसे ज्यादा गैंगरेप मध्य प्रदेश में होते हैं, सबसे ज्यादा 18 लूट बलात्कार मध्य प्रदेश में होते हैं, जो लूट और खसोट, जो चोरी, जो धोखाधड़ी, मध्य प्रदेश के अपराध के आंकड़े बढ़े देश में नंबर 1 है, देश में नंबर 1 है। फिर क्राइम के बाद कर्ज, कर्ज भी कैसा, मतलब 2500 करोड़ रुपया हर महीने लेना है, मतलब रोज 100 करोड़ रुपए लगभग कर्ज लेगी सरकार, तब जाके आगे बढ़े। 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज मिले तब तंत्र चले, ऐसी सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, न विजन है न डिलीवरी है, केवल ऐसे भाषण जिससे प्रवचनकारी मुख्यमंत्री दिखे हमारे मुख्यमंत्री। कर्ज के मामले में देश का पहला राज्य हो गया है जिस पर लगभग 60,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज हो रहा है, 60,000 रुपया पर व्यक्ति। ये सरकार जनता की भी नहीं थी, ये माफियाओं की सरकार थी। अब आप देखो कि शराब माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, खनिज माफिया सर चढ़ के बोल रहा है, भू माफिया, मतलब मुख्यमंत्री के आसपास घूमते हैं भू माफिया। आप देखो कि रेत माफिया, फिर परिवहन माफिया, फिर ये शिक्षा माफिया, वल्लभ भवन एक अड्डा है करप्शन को बढ़ाने का। मैं 9 महीने की सरकार से केवल इतनी मांग है हम सब पूरी कांग्रेस पार्टी कि आपने कहा था हम 2700 के गेहूं का दाम देंगे, आपने कहा था हम 2100 का धान का दाम देंगे, आपने शिवराज सिंह जी ने 20 साल मुख्यमंत्री लगभग रहने के साथ साथ 20 लाख बार बोला कि खेती को लाभ का धंधा बनाओ। सरकारी आंकड़े जो लागत मूल्य का निर्धारण करते हैं वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 4400 रुपए में, 4400 में, तो क्या 5 महीने की किसान मेहनत करे और 400 रुपए पर क्विंटल कमाए, मतलब अद्भुत अकल्पनीय। 28 रुपए रोज किसान का बेटा कमाता है, किसान परिवार कमाता है, एक मजदूर को भी 200 रुपए मिलते हैं, कैसी स्थिति कर दिया। 80% किसान कर्जदार है, 80% किसान, मतलब अकल्पनीय झूठ पाखंड और आंखों में धूल झोंकने की जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की कि ये लड़ाई 6000 रुपए की है, ये लड़ाई 3200-3100 के धान की है, ये लड़ाई 3000 के गेहूं के दाम की है, ये लड़ाई किसानों के हक और अधिकार की है। और कांग्रेस पार्टी जब तक कंप्लीटली 6000 रुपया सोयाबीन के भाव पे ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं लेती तब तक हमारी जारी रहेगी।